हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या मतलब होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का और इसको करने के पीछे क्या उद्देश्य हमारा होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पर उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। आप चाहें तो हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबर बन सकते हैं, जिसका सिंपल सा प्रोसेस है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये जो बेल आइकन है इसे दबा देना, ताकि आपको वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके बाद इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आपको इग्नू बीकॉम में आना है, और बीकॉम में आने के बाद एक छोटा सा नॉमिनल सा फी आपको पेमेंट करना, जो कि 119 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको लगेगा। हालांकि ये रिकरिंग है नहीं, बोला जा रहा है रिकरिंग पेमेंट होता नहीं है, कटता नहीं है फालतू का, ठीक है ना? पर जो भी हो, आप पहला करवा लो, उसके बाद आप यहाँ पे आकर के खुद को रजिस्टर कर लो व्हाट्सएप पे, वहां से फिर जो है मैं पेमेंट किसी और तरीके से करवा लूंगा। अब इसके बेनिफिट आपको देखो क्या क्या मिलती है। आपको बेनिफिट में के रूप में मिलेगा, आपको असाइनमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, सॉल्व असाइनमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है, सॉल्व असाइनमेंट मिल जाएगा आपको फ्री में, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 500 से 600 रुपए होती है। तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जा रहा है, आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिल रहा है 24/7, जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। आप समझ रहे हो, जैसे आप ट्यूशंस करते हो ना, वैसे ही सारी चीजें होंगी। यहाँ पे जहां तक बात समझाने की है, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। जो मेंबर होंगे मुझे पता चल जाएगा कि कौन मेंबर है कौन मेंबर नहीं है, ठीक है ना? तो मेरे पास वो चीजें हैं यहाँ पे अवेलेबल, तो वो सारी चीजें मैं कर लूंगा। जो भी रिक्वेस्ट उस तरीके का करेगा, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको 40% डिस्काउंट पे नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगी, वो भी यहाँ से पॉसिबिलिटी है। अगला जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब भी आप स्टडी करें तो प्लेलिस्ट में आकर के स्टडी करें। प्लेलिस्ट में आपको सारी प्लेलिस्ट जो भी आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की है वो एक जगह पे आपको दिख जाती है। सारे वीडियो जो है उसमें डाले हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, आप उनको देखें, आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है? तो चलिए फिर आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज अबाउट द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये क्या होता है और इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ भैया, इसका कलर मैं क्या रखूँ, ग्रीन कर लेता हूँ, चलो। सो इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नीदर एनी कंपनी इज लिक्विडेटेड नॉर एनी न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड। सो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई भी नई कंपनी नहीं बनती है, ना ही कोई पुरानी कंपनी खत्म होती है, ठीक है? रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है एक तरीके से कि कंपनी को वापस से तैयार करना by doing various of things, में जैसे कि जो भी इस कंपनी के लॉसेस है उसको हटा दो, गुडविल की वैल्यू हटा दो, जिसके पास वो जितने भी शेयर्स हैं वो जितना अपना शेयर सैक्रिफाइस कर सकता है उनसे करवाओ, कंपनी का जो रियलिस्टिक वैल्यू है उस चीज पे कंपनी को लेकर के आओ, ठीक है? रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये हुआ एक कंपनी जो कि एक तरीके से खराब परफॉर्म कर रही है उसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना, तैयार करना, है ना? देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। सो ओनली कंपनीज इंटरनल फॉर्म इज चेंज्ड बाय अल्टरेशन एंड रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल्स ऑफ अ कंपनी, है ना? वही बात है कि इंटरनली कंपनी को जो एक तरीके से अल्टर किया जा रहा है, उसमें रिडक्शन किया जा रहा है उसके शेयर कैपिटल्स में। द स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन, दिस स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन इज बेनिफिशियल फॉर अ कंपनी हैविंग ह्यूज एक्युमुलेटेड लॉसेस एंड हूज एसेट्स आर ओवरवैल्यूड। तो समटाइम्स क्या होता है ना, जैसे आपने सुना होगा कि किसानों के मामले में कंपनी जो जो गवर्नमेंट होती है वो उनके कर्जों को माफ कर देती है, उसी तरह से कंपनी में भी वही होता है कि कंपनी का जब लॉसेस बहुत ज्यादा होता है ना, तो कंपनी को पता रहता है कि ये लॉसेस तो वापस आने वाले हैं नहीं, तो वो उन लॉसेस को अपने शेयर कैपिटल को एक तरीके से लूज करके उन लॉसेस को एक तरीके से राइट ऑफ कर देती है, हटा देती है। तो ये जो स्कीम होता है कैपिटल रिडक्शन का, इसका बहुत बड़ा फायदा जो है कंपनी को होता है, क्योंकि ये यहाँ पे जो अपने एक्युमुलेटेड लॉसेस यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इस लॉसेस को वो लोग हटा पाते हैं। एंड हुज एसेट्स आर ओवर वैल्यूड, और जिसकी एसेट की वैल्यू ओवर वैल्यूड है, बहुत ज्यादा हाई रखी हुई है, उसकी वैल्यू को भी वो रियलिस्टिक वैल्यू में लेकर के आते हैं। सो दिस इज अ वेरी बेनिफिशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच अ कंपनी डज व्हेनेवर दे आर हैविंग लाइक एक्युमुलेटेड लॉसेस फॉर इयर्स, है ना? तो वो चीजें वो करते हैं वहां पे। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहला होता है टू एलुमिनेट द फिक्सिशियस एसेट ऑफ द कंपनी सच एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर ETC। तो कंपनी का सबसे पहला जो काम होता है ना यहाँ पे वो यही होता है ऑब्जेक्टिव की जो एलिमिनेट किया जा सके जितना भी फिक्सिशियस एसेट होता है, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स हो गया, इस तरह की चीजों को वो लोग जो है एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं, ताकि कंपनी में इसका कोई बुरा असर ना पड़े, क्योंकि जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको बैलेंस शीट में शो करके क्या फायदा है यार, है ना? तो वो बात यहाँ पे बोली गई है। To reduce the share capital of the company and to bring
इट टू द रियल वर्थ, है ना। तो जो कंपनी के शेयर कैपिटल की वैल्यू है उसको एक तरीके से रिड्यूस करना, वो रिड्यूस करोगे तो आपका एसेट भी घटेगा, तो एसेट जब घटेगा तो आपकी कंपनी की जो रियल वैल्यू है वो निकल करके आएगी, जो रियल वर्थ है आपकी कंपनी का वो निकल करके आएगा। तो यहाँ पे दूसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना कंपनी का, ताकि जो रियल वर्थ है कंपनी का वो निकाला जा सके। तीसरा होता है क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस अमंग द शेयर होल्डर्स बाई प्रोवाइडिंग देम फेयर रिटर्न ऑन देयर ट्रू इन्वेस्टमेंट। तो जो भी इन्वेस्टमेंट उन लोगों ने कर रखा है उसको कितना डिविडेंड मिलना चाहिए, उसको कितना रिटर्न मिलना चाहिए, ये आपको तभी पता चल पाएगा जब आप अपनी कंपनी को अच्छे तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। आप पता करेंगे कि हमारे पास भाई इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, उनको इतने रुपए देने बाकी हैं हमारी कंपनी की प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से, है ना। तो आप शेयर होल्डर्स के अंदर एक तरीके से कॉन्फिडेंस पैदा करना, है ना, उनको फेयर रिटर्न दे करके जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है, ये इनका तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाता है। चौथा और आखिरी ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। तो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन का जो ट्रू एंड फेयर व्यू है, मतलब जो ट्रू उसकी जो वैल्यू है, जो उसका ट्रू यू नो जो भी उसका अमाउंट है, वो आपको शो करना होता है बाय डूइंग दिस रिकंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रिकंस्ट्रक्शन एंड दिस इज लाइक ऑब्जेक्टिव्स एज वेल। चार ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताई है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा जहां पे मैंने इस टॉपिक को कवर करा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद एक और टॉपिक मैं बताने वाला हूँ जिसके मैं स्टेप्स की बात करूंगा कि किस तरीके से आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ही वीडियो था और आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। आई होप कि मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। आप भी हमारे साथ बने रहेंगे और स्टडी करेंगे अच्छे तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय। थैंक यू।